लगता है बदले की आग अभी भी धधक रही है। कुलकर्णी सरकार का प्रतिशोध, शत्रु के विनाश पर विराम होता है गंगाराम। लेकिन ये दावत वाली रात को तो आपने झलक थी, जिस तरह उस फड़के ने गांव वालों के सामने मुझे अपमानित किया, उसी तरह मैं उसे चिर परिचित और पहचानने वालों के सामने उसे अपमानित करना चाहता हूँ। अरे वो देखो, फड़के साहब आ गए। पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की है मैंने, निष्ठा से सेवा की है, तब कहीं जाके मेरे जीवन में ये क्षण आया है। आज सब कुछ ठीक होगा, खासकर इसलिए कि वो नालायक यहाँ नहीं है। साई ने कहा था उज्जवल यहाँ आएगा, हे भगवान न जाने आज क्या होगा। साई, हमें वहां अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, हम क्या बोलकर जाएंगे? सच बोलकर। मतलब? सच की ताकत बहुत होती है, वो किसी भी मुश्किल को पार करा सकती है, इसलिए सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और कोई सच को अगर नकारना भी चाहे तो नकार नहीं सकता। और आज का सबसे बड़ा सच यही है कि तुम वल्लभ के बेटे हो, और इस सच का सामना तुम्हारे बाबा को करना ही पड़ेगा। जाओ बेटा। कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ सिर्फ निमंत्रण से आने की अनुमति है और सब लोग यहाँ आ चुके हैं। मुझे अंदर नहीं जाना है, क्या आप इसे अंदर छोड़ाएंगे? ये वल्लभ जी का बेटा है, कुछ काम से पीछे छूट गया था, मैं इसे पहुंचाने आया हूं। माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था। चलो बेटा। सच का रास्ता मुश्किल जरूर होगा, लेकिन अंत में सुख देता है। अल्लाह मालिक।
मैं इस सम्मान के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। प्रतीत होता है वो अवसर मुझे मिल गया। हरिओम। ये तो वल्लभ जी का पुत्र है। संभवतः बाहर छूट गया होगा। बच्चा छूटा और माँ बाप को खबर नहीं। बच्चा छूट गया, माँ बाप को खबर ही नहीं। बताओ कैसे कैसे माँ बाप छूट गए। हरिओम हरिओम। कोई बात नहीं, वैसे अक्सर बच्चे कौतूहल के कारण यहाँ वहाँ जाते हैं, ये उनका स्वभाव है। वल्लभ जी, सही वक्त पर आया है आपका बेटा। चलिए हम समारोह को आगे बढ़ाते हैं। साहिब, वल्लभ जी के सहकर्मियों से तो हमने उनकी अच्छाई सुन ली, बस अब चाहते हैं कि उनके परिवार वाले उनके बारे में कुछ कहें तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद। अब इनका बेटा हमारे सामने है तो इसी से शुरुआत करते हैं। अब आनंद लो। क्या नाम है तुम्हारा? बड़ा प्यारा नाम है आपका। अपने पिता के बारे में कुछ कहो। बेटा तुम चुप क्यों हो? रहने दीजिए साहब, ये नहीं बोल पाएगा। जब मैंने वल्लभ जी के परिवार का उल्लेख किया तो मुझे लगा आप उनकी पत्नी या सुपुत्री को बुलाएंगे। बच्चे को बीच में खड़ा देखा तो
बेचारे से आपने पहल की। बेचारा ऐसे क्यों? साहिब ये मन बुद्धि है। अपने पिता से बिल्कुल विपरीत। भाषण देना तो दूर, छोटे छोटे सवालों का जवाब देने में भी उसकी कपकपी छूट जाती है। बेचारे वल्लभ जी स्वयं से दूर रखते हैं इसे। इनके लिए गौरव का नहीं लज्जा का कारण बनता है ये। इतने महान आदमी का बेटा आसान से गणित का उत्तर नहीं दे पाता है। ना ही गुणा भाग कर पाता है। बेचारे वल्लभ जी कितने दुख की बात है। बेचारे वल्लभ जी तरस आ रहा है मुझे इन पर। बाहर निकाल देना ठीक है क्या? उसको अपनी जिंदगी से बेदखल कर देना ठीक है? एक गलती की इतनी बड़ी सजा देना क्या ठीक है? सिर्फ एक गलती नहीं सरोजनी, सालों से सिर्फ गलती ही करता आ रहा है वो, और मैं सहन करता आ रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई में गलती, रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती, पड़ोसियों के सामने शर्मिंदा करना, मेरी हर उम्मीद को तोड़ना, कितना कुछ सहा है मैंने, लेकिन इस नालायक ने कभी अपनी तरफ से बेहतर होने की कोशिश नहीं की है। हकीकत तो यह है कि बद से बदतर होता जा रहा है। आज तो इसने मेरे सहकर्मियों के सामने मुझे जलील किया, और वो भी उस दिन जब मेरी उपलब्धियों के समारोह का दिन था। गौरव समारोह के दिन कालिक पोत जिसने मेरे नाम और काम पर मेरे सब्र की सीमा समाप्त हो गई है। जीवन का सबसे बड़ा दिन भी बर्बाद कर दिया। जो लोग मुझसे नजर नहीं मिला सकते थे वो मुझ पर तरस खा रहे थे सिर्फ तेरे कारण। जितने ज्यादा दिन तू उस घर में रहेगा उतने ही ज्यादा दिन मुझे अपनी बेइज्जती सहन करनी पड़ेगी। तुझे अब मैं इस घर में नहीं रहने दे सकता हूं। चल निकल जा यहां से। छोटा बच्चा है, थोड़ा तो रहम कीजिए उस पर, नहीं तो कम से कम मुझ पर रहम कीजिए। उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। एक माँ को अपने बच्चे से अलग करने का पाप मत कीजिए। अगर आपने इसे निकाल दिया तो मैं नहीं रह पाऊंगी इसके बिना।
सही कहा तुमने। बेटा सब ठीक हो जाएगा, मैं बात करती हूँ बाबा से। नहीं रह सकती हो ना इसके बिना, तो तुम भी निकल जाओ इस घर से। बहुत पहले ही मुझे ये कर देना चाहिए था। ये नालायक लड़का तुमने दिया है ना मुझे, तुम्हारे ही लाड़ ने बिगाड़ा है इसे। तुम्हारे ही लाड़ के कारण इसे मेरे गौरव समारोह में आने और मुझे शर्मिंदा करने की हिम्मत मिली। जो हुआ उसकी जिम्मेदार तुम भी हो, इसलिए इसके साथ तुम भी निकलो यहां से। ऐसा मत कीजिए। चुप। सन, जब तक तू सरकार के सारी किस्तें नहीं चुका देता ना, तुझे हर वो काम करना पड़ेगा जो हम दोनों बोलेंगे तेरे को, समझा? चल अब ये बोरी उठा और जाके वाड़ा छोड़ दे, चल जल्दी कर। जल्दी कर। पंता जी कंधे का भार दूसरे के कंधे पे डालने में मजा ही कुछ और आता है। सब मेरे कारण हुआ, मुझे माफ कर दीजिए आई। पर आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरे बिना नहीं रह सकती है आप? देखा ना, मेरा साथ देने के लिए बाबा ने भी आपको घर से निकाल दिया। मेरा साथ छोड़ दीजिए आई, बाबा आपको बुला लेंगे। मैं तो नालायक हूँ, मुझ जैसे नालायक के लिए आपको दुख झेलने के लिए क्या जरूरत है? इतना सब होने के बाद भी मेरी खुशी के बारे में सोच रहे हो, इतने अच्छे बेटे को छोड़कर कोई आई कभी खुश रह सकती है क्या? चाहे जो भी हो जाए,
मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन हम जाएंगे कहाँ आए? क्या जवाब दूँ इसको? मुझे तो खुद नहीं पता कि हम जाएंगे कहाँ। भाई जाक्का ने कहा था मेरे उज्जवल का हाथ साई ने थामा है, तो वो इसकी नैया पार लगा ही देंगे। साई, यही सुन के मैंने आप पर भरोसा किया था, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ। अब मैं क्या करूँ, कहाँ ले जाऊँ इसे? मुझे अपनी चिंता नहीं है, मेरा जो होता है सो हो, लेकिन मेरा बच्चा, मुझे बस इसकी चिंता है। इसकी कोई गलती नहीं है, इसका कोई दोष नहीं है। जब कभी जलता है तो मैंने उन्हें अपने हाथों को ठंडे पानी में डालते हुए देखा है। आई, उज्जवल, कैसे रहूंगी तुम दोनों के बिना? काश बाबा समझ सकते कि उज्जवल अच्छा और नेक है। मैं जानता हूं बेटी, तुम्हें मेरा निर्णय गलत लग रहा होगा, लेकिन मैं बेबस था। मेरी गलती बस यही थी कि मैंने अपने बेटे का भला चाहा, उसे बेहतर बनाना चाहा। क्या ये गलत है? लोग बच्चों को विरासत में कितना कुछ देते हैं, लेकिन मेरी आई और बाबा ने मुझे विद्या के अलावा कुछ नहीं दिया। उनके पास कुछ था भी नहीं देने के लिए। यही विद्या मेरी धरोहर, मेरी विरासत थी, जिसका उत्तराधिकारी मैं उज्जवल को बनाना चाहता था। मेरी बुद्धि, मेरी कामयाबी, मेरी पहचान है। अगर मैंने चाहा कि मेरा खानदान इस पहचान के साथ आगे बढ़े, तो क्या ये गलत है? लेकिन उसने कभी मेरी विरासत को स्वीकार करने की कोशिश ही नहीं की। उज्जवल को तो कुछ भी नहीं करना था, उसको सिर्फ मेरी विरासत को आगे लेके जाने की जरूरत थी। बस यही तो चाहता था मैं कि मेरा बेटा इस बुद्धि और विद्या की कामयाबी को लेकर बुलंदियों को छुए। हर बाप यही चाहता है। क्या ये भी मेरी गलती है जो मैंने किया? उसे करके मुझे कोई खुशी नहीं हो रही, लेकिन उज्जवल ने जब कभी मेरी खुशी, मेरे अरमानों के बारे में नहीं सोचा, तो मैं कब तक उसकी नाकामयाबी झेलता? कब तक उसके कारण मैं शर्मिंदगी झेलता रहता? लेकिन उसकी आई हमेशा उसकी कमियों को ढकती आई है। अगर वो भी उसके साथ में सख्त होती, तो शायद उज्जवल पूरी कोशिश करता। बाबा, आप मत रोइए, मुझे यकीन है उज्जवल एक दिन अपने आप को संभाल लेगा। पर मेरा यकीन कुछ और है, वो नालायक कभी नहीं सुधरेगा। इसलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया, उसमें मेहनत करने की इच्छा ही नहीं है। मैंने अपनी पढ़ाई के लिए कितने कष्ट उठाए, बस मैं ही जानता हूँ। उज्जवल को तो सब बना बनाया मिला है, उसे तो सिर्फ पढ़ना था, उतना भी नहीं कर पाया।
और लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं उसे स्वीकार कर लूं। इतना महान नहीं हूं मैं। जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है मेरी। साहब आपसे कोई अधिकारी बाहर मिलने आए। आता हूं। उज्जवल निर्दोष है माई। के गौरव समारोह गया, उन्होंने हमें घर से निकाल लिया। पंता जी, सरकार को खबर देने का समय आ गया है। जिसने सरकार की बेइज्जती की थी, आज सरकार की वजह से उसका पूरा परिवार बिखर गया है। चलिए पंता जी, चलिए। दुखी मत हो उज्जवल, राम जी सब ठीक कर देंगे। साई, जहां तक मैं अपने पति को समझती हूँ, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। सब खत्म हो गया साई, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। राम जी का एक नियम है माई, जब तक सांस चल रही है तब तक इंसान के लिए कुछ भी संभव है। जब तक हम उम्मीद नहीं छोड़ते, कुछ नहीं खोता है। और एक बात याद रखना, राम जी जब एक दरवाजा बंद करते हैं तब दूसरा दरवाजा खोल ही देते हैं। सदियों से स्त्रियों पे अन्याय करता आया समाज, मुझे सन्यास लेने से मेरी जिम्मेदारियां भी नहीं रोक सकती। चल हट। कभी छोड़कर बेसहारा, कभी मांग कर दहेज। समधी जी, बस मेरी बेटी को खुश रखिएगा। तो कभी करके अनाथ। बेटी का बोझ हम नहीं उठा पाएंगे। देखिए नारी उत्थान की इन तीन कथाओं के द्वारा साई कैसे बदलेंगे स्त्रियों के प्रति समाज की धारणा। शुक्रवार 16 अप्रैल से रात 7 बजे सोनी पर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.